guys. It is said that winning isn't getting ahead of others, it is getting ahead of yourself. And we have a live example today from topping NM College in the 12th standard, scoring 326 in CA Foundation and securing All India rank 40 in Inter CA exam, 95 in FMEco, 97 in Cost and Management Accounting, and the countless example today. I welcome you all to have a very heart-to-heart conversation today with Marvi Lodha. Hi Marvi, how are you? Hello sir, I'm good. Oh my god, I have just one very genuine question. Kaise, like kaise kar lete ho aap? 12th aapne top kiya hai, foundation mein itna score kiya hai, inter mein rank laya ho and 95 FM and Eco. Matlab kya khilati hai mummy aapko? Kiski recipe hai ye? Mamma ki recipe hai ki papa ki recipe hai? Nahi, it's just pure hard work sir, and it's like support from others that I get. So it's not only the way I work, but the atmosphere that I get to work in. So both of them matter a lot. इसका मतलब मम्मी पापा ने सब जगह पर बाजू में रूम में सारे रूम में खाली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बुक्स 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 रखी हुई चाहिए सर. नहीं सर, पोस्टर्स थे घर पे. किसके? AIR का. Oh my God, हाँ बस ये जानना है ना कि क्या होता है ऐसे घर के एटमॉस्फेयर में, क्या रखे दूसरे पेरेंट्स, वो हमें पूछना है आपको कि जिससे ऐसे आप परफॉर्म करते हो हर एग्जाम्स में. सर टारगेट था लाइक आई रियली वांटेड अ रैंक इन सीए इंटर. I had worked from it like from the start, manifested it to a point ki yaar chahiye rank to chahiye. So how does it feel? Matlab in fact mujhe bahut achhi tarike se yaad hai. I still remember ki jab hum log sab logon ke naam aa rahe the rankers ke and Ednovet already had 6 all india ranks and hum log soch rahe the yaar kisko rank aayega, to matlab Marvi ko to rank aana hi chahiye and we were waiting for Marvi's rank and Marvi ne ab tak result khola bhi nahi tha and we were waiting ki Marvi kahan hai. तो मार्वी ने एक सिंपल क्वेश्चन, आई विल टेक इट टू द मार्वी शेप. मार्वी आई स्टिल रिमेंबर दैट आपको फोन आ रहा है आई थिंक राहुल सर का और राहुल सर बोल रहे मार्वी रिजल्ट गया है और मार्वी ने बोला सर वेट, क्योंकि हम तो मंदिर जा रहे हैं और हम मंदिर से रिजल्ट चेक करेंगे, हम मंदिर के पहले आपको रिजल्ट नहीं बता सकते. पूरी दुनिया ने रिजल्ट देख लिया है बट मार्वी को अभी तक रिजल्ट नहीं देखना था. मार्वी मुझे बताओ कि वो क्या था एग्जैक्टली. ओके सो टाइम नहीं पता था रिजल्ट का. इट आई चेक डिड एट 10 o'clock, मुझे रिजल्ट नहीं दिखा. 10:30 को मैंने चेक किया था बट मुझे नहीं पता, मुझे दिखा नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने डैड को बोला कुछ भी हो डैड अब बस सिद्धिविनायक जाके ही खोलेंगे, उधर ही आने वाला है. आई लेफ्ट माई हाउस, आई डिडंट इवन रीच द लिफ्ट एंड रिजल्ट आ गया. अब मैं बोली मैं घर से इतनी चौड़ में निकली हूँ कि बस सिद्धिविनायक जाके ही खोलना है एंड लिफ्ट तक नहीं पहुँची एंड रिजल्ट आ गया. I was very skeptical कि खोल दूँ क्या, देख लूँ क्या, but I was like नहीं जाके खोलेंगे. And सिद्धिविनायक has never felt so far. डेढ़ घंटा लगा मेरे को उस दिन पहुँचने में. And in that 1.5 hour, I got to know so many people का results. राहुल सर मेरे को फोन पे फोन कर चुके हैं कि खोल पागल खोल, तू कर क्या रही है. आई वाज लाइक सर आई गो देयर एंड ओपन इट एंड फिर मैं आई वेंट देयर. फिर वापस जैसे ही रिजल्ट आया, गणपति बप्पा हो गया. वेरी नाइस. बट मतलब वो डेढ़ घंटे में जब आपने इतने सारे लोगों का, आई वाजंट एज नर्वस एज आई वाज एट दैट टाइम. एग्जाम से ज्यादा डर मेरे को उस दिन लगा. वो एक घंटे का प्रेशर, नर्वसनेस, नॉट एक्साइटमेंट. कौन कौन गए थे उस गाड़ी में? कौन कौन था? मी, माय ब्रदर, माय मॉम एंड माय डैड. वाओ, फुल फैमिली. फुल फैमिली थे. एवरीवन ऑन फोन पे फोन, लाइक दादू वाज लाइक ऑल द बेस्ट तो बोल दिया, रिजल्ट क्या आया. आई वाज लाइक आएगा, आप रुको 5 मिनट रुको, थोड़ी देर रुको. सो द होल नर्वसनेस वाज अ होल दैट राइड वाज अ मेमोरेबल वन. आई विल नेवर फॉरगेट दैट होल राइड. और ऐसे वो मतलब कोई गाड़ी में भी, मेरे को लग रहा है म्यूजिक में भी ऐसे, यू नो, देवाश्री गणेश समथिंग लग रहा है. क्या था वो? मतलब म्यूजिक भी बदल रहा था कि खाली वो रिजल्ट सुन रहे हो? सर सिर्फ रिजल्ट सुनाई दे रहा था एंड एवरी मिनट ट्रैफिक में बैठे बैठे यार खोल दूं क्या, let's open it, but I was like, but Bapa said it nahi bachcha, yes. I will look result. Very nice. I think Bapa ne pehle decide kar liya tha and it is not about that day. Mujhe aisa lagta hai Madhvi ke ye aapki taiyari thi aur taiyari thi right from the beginning. Matlab jaise humne dekhe aapke result 12th ke, aapke foundation ke aur aapke inter ke, to I'm sure Bapa just wanted to see you rather before giving you the result, but your result was already decided by your hard work. So it was not that day, but it was the efforts which you put in. So let us come. हम दूसरा ये जानना चाहते हैं. In fact, आज बहुत सारे जन आपका ये video देख रहे होंगे, तो there are few questions.
जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, मैं एकदम ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन लेता हूँ, क्या रैंक लाने के लिए सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ती है, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, क्या लगता है आपको? नो सर, अगर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करेंगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द एग्जॉशन जो आएगा, देयर विल बी लाइक नो रेस्क्यू टू इट. So you need breaks, the breaks where you feel refreshed, bahar jaake aana, everything, whatever you enjoy. So for me, it was going out, meeting my friends, meeting people, or like going to concerts. Wow. I love that. I love going to concerts. So I mean, I took my breaks at every time that I needed, and that helped me like work harder and better, like efficiency badhti hai, I feel. To matlab ye aur hi raas pe raas khul raha hai aaj. Pehle mandir gaye the. और मंदिर के पहले एग्जाम्स के पहले कॉन्सर्ट, व्हिच वाज योर लास्ट कॉन्सर्ट व्हिच यू अटेंडेड, व्हेन डिड यू अटेंड द लास्ट कॉन्सर्ट, एग्जाम के कितने दिन पहले? बिफोर एग्जाम्स आई गेस 2 मंथ्स पहले, सो 2 मंथ्स पहले आई अटेंडेड अ कॉन्सर्ट. यानी कि वो जो सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और डरे हुए बैठे, आज के सिर्फ 3 महीने बैठे हैं, 4 महीने बैठे हैं, एग्जाम के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट वो कॉन्सर्ट अफोर्ड कर सकते हैं. बट आई वॉन्ट टू इनफैक्ट एम्फसाइज ऑन दिस, वो कॉन्सर्ट कब अफोर्ड कर सकते हैं? सर, आई हैड वर्कड द होल वीक हार्डर बिकॉज आई न्यू कि आई नीडेड दैट अ डेज ब्रेक टू गो टू द कॉन्सर्ट. सो उसके पहले दैट वन वीक वाज फुल हसल, लाइक गिविंग एक्स्ट्रा आवर्स सो दैट आई कैन अफोर्ड द वन डे दैट आई एम टेकिंग ऑफ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मेरे को लगता है कि जो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप ब्रेक ले सकते हो. Yeah, you can watch movie, maybe you can just go for a walk, you can go out with your friend, you can attend concert, but provided कि आपने उतना एफर्ट डाला है. हाँ, मतलब आप ये बिल्कुल भी इसका कंक्लूजन मत करना कि चलो कॉन्सर्ट जाएंगे तो हमें आने वाला है सिद्धि विनायक, जाके रिजल्ट देखते हैं तो रैंक आने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट दैट डे, इट इज अबाउट व्हाट एफर्ट्स यू हैव पुट बिफोर दैट. वेरी नाइस. सो मावी, लेट अस टॉक अबाउट योर सीए इंटर जर्नी. सीए फाउंडेशन यू हैड ऑलरेडी स्कोर 326. फ्रॉम दैट डे यू वर वेरी क्लियर कि लेट्स एम फॉर अ रैंक. How was your preparation from day one? यानी कि आपने early bird join किया था, कि आप regular batch student थे. And what make you to come to Innovate? All right. So after my foundation results came, I took a good like 15 days break. So even in that period, I wanted to like get out of my result. Okay, result it was good, but I had to get out of it and move to the next phase. So then like even my family leaves every decision on me. So it's me who decides which classes I want to go and everything. So I visited Innovate, I met the faculty there and I really enjoyed it. So sir told me like this batch has started already, just join it already. And I was like, all right, I started the early bird batch was which I joined. And after that, the whole, even before our results came, our foundation results came, we had 2 tests already taken. It helped me like get fit in and find like, okay, this is what I'm doing. We had 4 subjects already going on. I got to know that I'll be studying this with these faculties. So it gave me a good background before I got into the main zone and proper phase. But what was your first decision? Innovate, matlab jahan par you scored 326, aapke paas already itna acha performance tha. What made you decide ki mujhe rank Innovate dila sakta hai? So the day I visited, even that time, the May attempt, we had already around 6-7. In fact, May attempt, we had all highest all India ranks in entire Mumbai. Right. So I felt that if I am aiming for a rank, a class which has already given the results and proved it, it will give me a better start and a kick start to get to my goal that was a rank to score. Wow. And I hope that we have delivered that, right? Yes, I did get a rank. So coming back to the question, she's saying that sir, 2 tests ho chuke the already foundation. I remember an incident. I remember कि Innovate में हम बहुत parents teacher meeting करते हैं, एक parents teacher meeting हम पहले करते हैं, एक parents teacher meeting हम बाद में करते हैं जब बच्चे लोग examination में जाते हैं. And I remember meeting Marvi's father, and I'm sure even you remember that. और उसी दिन lecture था और उस दिन Marvi नहीं आई थी class में, और मैंने अंकल को बोला, Marvi के पापा, आपकी बच्ची तो नहीं आई आज class में, आप पूछो उसको क्यों नहीं आई है. Describe that day. I'm sure people would want to know exactly kya hua tha, but you should share that. Okay, so my dad never asked me like test theory because he believes that the kind of student that I am, I do take my studies seriously. I give all the tests and I attend it regularly. So he came home and like he told that I saw a chart, and although he didn't specifically mention your name, but I could see that you missed one test and you have been missing classes. And I told him it's not like specifically that I'm missing the class today. It was just because I had my college exams going on at that time, so I had missed a few tests. And he's like, no, you should be regular.
और बहुत इंस्पिरेशन मिलता है जब आपके फैमिली में आपके डैड इतने सपोर्टिव है, आपके मॉम इतने सपोर्टिव है. और इससे मुझे ये भी याद आता है मार्वी, फॉर गुड ऑफ ऑल मैं सबको बताना चाहूंगा कि मार्वीज ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एक इंजीनियर है. ही इज एन इंजीनियर एंड ही अप्रोच सीए इंटर एग्जाम एंड ही क्लियर सीए इंटर एग्जाम द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. करेक्ट. सो व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू डू दैट इफ यू नो, एंड हाउ डिड हिज डिसीजन फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम साइंस टू कॉमर्स और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना आपको इंस्पायर कर गया? So like he has been like always very logic oriented. So agar logic समझता है then subject आता है. So he believes in me like more than anyone. Wow. He has been the person who has motivated me a lot. So if like I was at a point in my journey where I don't know if I can do this or not, he stood beside me telling ki teko rank aayega. And I still remember like even in my costing book in the index first page, he has written like a whole paragraph. Wow. That you will get a rank, you will do this, I believe in you. And the day I got a rank and I just went and showed him, he had it. So even like his approach of going everything logically and understanding it to the core is what inspires me a lot, and that is what I follow also. Even with the practice or the logic taking you is what matters me a lot, and he has inspired me a lot. Wow. I think thanks Ganpati Bappa again. Thanks God that we have such a supporting family. So, आज मैं आपके साथ दूसरी फैमिली की बात करना चाहूंगा. अभी आपके पास दो फैमिली है, एक फैमिली पेरेंटल है, एक एकेडमिक फैमिली है. लेट्स टॉक अबाउट योर टीचर्स नाउ. हाउ वाज योर जर्नी विद द टीचर्स? कौन से टीचर ने आपके साथ बहुत मस्ती की है? कौन से टीचर ने आपको हैरान किया है? कौन से टीचर ने आपको खुश किया है? How was it? It has been an amazing journey. So like everything about it, all the faculties and the atmosphere that was there in the class also, like even with my friends or my people who I was sitting with, even with the faculties, the banter I had with sir, it has been like amazing. He has taunted me a lot, but he has made me laugh a lot also. And I clearly remember, I guess it was one day that you came in class and you were motivating us in general. And you were leaning out the door and you looked at me and said, Marvi, I'm cheating here. And I told you, yes sir, I'm cheating here. And I mean, the way you motivate sir, like, it's not even that you give us a motivational lecture. The way you talk to us, the way you tell us that we can do it. So like, if at a point I don't believe in myself, I know I have sir to go to and you just tell me, ki Marvi, tu kar legi. मुझे ये भी जानना है आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अलग अलग फेज में है. There are students who are going to appear foundation. There are students who are going to appear for inter exams also. और जो अभी start करेंगे या जो middle of the journey में रहेंगे, आपने ऐसा क्या किया जो आपको लगता है कि बच्चों को सर ये change करना चाहिए? मतलब आपके friends थे साथ में, आपने दूसरे peers को भी देखा, you know, जो आपके friends नहीं थे but जो आपके साथ थे. What message would you like to pass on to them? क्या लगता है आपको कि उन लोगों को क्या करना चाहिए? So a thing that I specifically kept in mind was being organized. So I had a diary with me and every day I was preparing for the last 1.5 day. So I know what I will do on that day in a particular order also, that this pehle, this only this much time. So being organized helped me like stay calm, a bit calm on the final day. So I wasn't looking everywhere for like what to refer to, what to do. I had my Edno textbooks ready with me and I knew what page and what thing I will give how much time to. So that helped me be quite organized and that kept me calm also, like overall. So even if the people I've talked to were appearing soon on, I always told them one thing, that get organized, know what you want and like what you will do on the 1.5 day. Plan your 1.5 day every day while you're like preparing to do. So aise kehte hai na, bahut sare logon ke mann mein ye doubt hota hai ki yaar, so 7 din mein mera direct tax kaise khatam hoga, 7 din mein mera costing kaise khatam hoga, 7 din mein mera ESS kaise khatam hoga. तो आपको ऑब्वियस है, अगर उन लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा तो आपको भी कहीं पर लगा होगा कि कैसे होगा.
तो वो 7 दिन वाला जो आपका टारगेट था, आई थिंक जो एंडोमेट का टेस्ट था, how did you manage that timing? उस टाइमिंग वो बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है उसको मैनेज करने के लिए. राइट. So the best thing about the test thing was it kept me very in order. I had at the start of every week I knew what I'll do at the whole week and what tests I have to appear at the end of the week. So it gave me a schedule to follow. It helped me plan my studies better because I knew that in 1 month if I have 4 weeks, 4 subjects, group one should be done. So in 1 week, so like for practical subjects it ho jata to a point. If I have to do accounts, 1 week of account was enough for me. But when it comes to subjects like audit, ERS, I know it's a lot. And so what I did was subjects which I felt were easier comparatively. For me, like my stronger suits, I had advanced accounts there, I had costing. So every day morning, I gave like 1 hour of subject which I knew would make me exceed the 1 week limit. So if I was going to audit, I started audit with advanced accounts. So every day 1 hour in the morning, so that by the end of, by I start a audit officially, I'll be done with a portion of it so that I can complete it in 1 week also. Very nice. So the balance was in such a way that I can complete all my subjects in a set timeline. Very nice. So for theory especially, जैसे कि वो 3 महीने में theory subjects की आपने कैसे तैयारी की कि वो 1.5 दिन में आपका revise हो जाएगा? राइट. सो सर पहले से यू नीड वो राइटिंग प्रैक्टिस रखनी पड़ती है. यू कॉन्ट एक्सपेक्ट यू 1.5 दिन में आप 2 क्वेश्चन लिख दोगे ठीक है हाथ बैठ गया एंड अगले दिन से एग्जाम में हो जाएगा. वो ब्लैंक फील होता है बहुत बार बिकॉज आपको आंसर पता है बट कंटेंट नहीं है कि आप 4 मार्क का आंसर लिख पाओ. सो वो प्रैक्टिस थोड़ी सी स्टार्टिंग से रखनी पड़ती है. सो जैसे डेली प्रैक्टिस ऑब्वियसली हेल्प्स इसमें बहुत एंड अपार्ट फ्रॉम इट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. अगर आपको पता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है देन यू कैन गेट एन आंसर. एंड ऑडिट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ओवरलैप करेंगे. लगेगा कि सब क्वेश्चन सेम ही चीज़ पूछ रहा है सब में सेम ही आंसर आना चाहिए बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस. वी नीड अ पर्टिकुलर आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन वरना नो मैटर कितना अच्छा आंसर लिखा हो मार्क्स तो मतलब नहीं मिलेंगे फिर. सो क्वेश्चन ऑब्वियसली रेफर करने चाहिए बहुत ज़्यादा तो वो बहुत हेल्प करता है आई फील. चलो लास्ट क्वेश्चन बहुत प्रिपरेशन बाद में थोड़ा पर्सनल लाइफ में घुसते हैं. यहाँ पर आपको मैं ये पूछना चाहूंगा मानवी 1.5 डे हाउ इज दैट क्रिटिकल. लाइक उसको कैसे बच्चे अपना पूरा कंपोजर रखे कैसे अपने माइंड को कूल और काम रखे. व्हाट डू यू रिकमेंड हाउ दैट 1.5 डे हैज टू बी. सो मतलब अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उस 1.5 डे में इज की डोंट इधर उधर मत भागो कि चलो मैं ये भी देख लेता हूँ ये भी आज देख लेता हूँ ये भी देख लेता हूँ अब तक नहीं देखा आज देखूंगा तो आ जाएगा. वो नहीं होता. अगर आपने पूरा साल किसी चीज़ पर मेहनत की है तो आप नया चीज़ मत ढूंढने जाओ. Exactly. जितना आपने पढ़ा है वो इनफ होता है एंड विद आर मॉड्यूल्स दैट वी हैव ऑफ एडनोवेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है तो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स थिंग्स ऑलरेडी कवर करती है. सो वी हैव कॉन्फिडेंस इन दैट पर्सनली आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट. तो मैंने सिर्फ उस 1.5 दिन में एक तो इधर उधर नहीं भागी. आई न्यू मुझे ये सब्जेक्ट देखना है ये चैप्टर देखना है मैं उतना ही देखी एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस पेपर्स देखे थे या कुछ देखे थे जो ऑलरेडी प्रीवियसली देख चुकी थी वही वापस देखा बिकॉज उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला कि यार ये देखा ये आता है तो पेपर आ जाएगा. तो वो थोड़ा अच्छा लग खुद को भी बिकॉज माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है एट द एंड. अगर आप उस दिन पूरा डर डर के पढ़ो तो फिर वो इफेक्टिवनेस भी जाएगी. द माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आई फील हियर. एंड उसके अलावा स्टे काम बिकॉज 1 year you have worked for it and I mean जीतोगे यार. Exactly. ये अब लूज मत करो. Yes, वही ले. If at that point you feel under confident, nervous कि क्या होगा then वो पेपर में रिफ्लेक्ट होता है बिकॉज बैक ऑफ द माइंड में वो रहेगा कि यार पेपर अच्छा नहीं गया तो मे बी मैंने पूरा प्रिपेयर नहीं किया तो. सो दैट व्हाट इफ वाला क्वेश्चन बहुत स्केयर कर जाता है. एक चीज मेरे को मानवी के बारे में क्लास में बहुत ही स्पेसिफिकली याद है. कुछ भी हो जाएगा ना छोटी छोटी सॉरी सर थैंक यू सर. तो आइए आज इस थैंक यू राउंड को कंटिन्यू करते हैं और इस थैंक यू रैपिड फायर के आज थैंक यू हो जाए आज. सो लेट अस स्टार्ट. सो मैं आपको फटाफट नाम देने वाला हूँ और आपको उनको थैंक यू बोलकर आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे. हाउ आर यू डिवोटिंग योर रैंक Okay. to them. Okay, so okay. It's a special thank you round a rapid fire gratitude rapid fire. Let's start from the most important person in our life, father. My father. उनको देखो पापा सुन रहे हैं आपकी बात. Thank you for always believing in me and giving me the optimistic attitude that I have.
that things will work and meko milega jo mujhe chahiye. Adnovate to all the faculties. I mean, I obviously owe a big one to them for being always approachable like you guys are. So just listening to me whenever I had any problems or anything, just being there and being present. आज अगर एडनोवेट की बुक आपसे बात कर पाती, सपोज कीजिए कि एडनोवेट की बुक बात करी, हाय मार्वी, हाउ डिड आई हेल्प यू, एडनोवेट की बुक को आप क्या बोलना चाहोगी? थैंक यू कि मुझे मॉड्यूल्स नहीं देखनी पड़ी. आई कुड जस्ट लुक एट यू एंड बी कॉन्फिडेंट कि सब कुछ है इसमें. आई डिडंट हैव टू सी द फोर बुक्स, आई कुड जस्ट सी वन बुक. एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट दैट आई कुड. लेट्स गेट बैक टू ऑल योर दैट सेट ऑफ फ्रेंड्स हु आर देयर. माय फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, थैंक यू फॉर मेकिंग द सीए जर्नी द मोस्ट मेमोरेबल वन. The classroom, Adnovate, like you guys played a very important role for the whole inter journey of mine. A big thank you to all of you. Now coming back to your brother, you have already emphasized. Mama ko kya bolna chahoge aap? My mom, I have troubled her so much. Thank you so much for bearing all my tantrums, everything. The way you took care of me, every mother does. But for me, you were there. You were the only one who saw me the whole day. Thank you so much for just being there with me and seeing my journey up close and there. Adnovate ki support staff, jahan par bhi aapko help hui hogi, what would you like to give it message to them? So often jab mera backlog tha, as I mentioned, so I've obviously like contacted Karan sir, Sagar sir many of times, being available and matlab responding to our queries and everything that we had regarding the app, regarding the lectures, when will they get uploaded, they were there to answer every question of ours and to solve it on urgent basis. They understood our priorities and they dealt it very well. And I'm sure घर पे एक कोई ऐसा बंदा होगा जिसको आपको thank you बोलना होगा. Who is he? I obviously dedicate this whole AIR and all the successes that I have to my dadu. He has been my rock. He has been the one telling me that मेरी बेटी करके लाएगी, मेरी बेटी सीए में गोल्ड मेडल लाएगी. दादू सुन रहे हैं आपकी बात और दादू को आप क्या बोलना चाहोगी? नहीं, बस आप हो, सो यू गिव मी द करेज. आप मुझे वो हिम्मत देते हो कि मैं चीजें करूं. यू मोटिवेट मी अ लॉट. सो बस दादू, थैंक यू सो मच. Wow, I think it was such a wonderful conversation with you, Marvi. Thank you so much for making us so proud, puri family ko so proud. Thanks to the entire family members, everybody who put up this entire career and show of Marvi. And I'm sure ki bahut hi zyada success stories Marvi likhne wali hai aur hum sabko bahut khush karne wali hai. थैंक यू, आज आपने इतने सारे मैसेजेस दिए, इतने फैमिली लेसन्स भी दिए, इतने पर्सनल लेसन्स भी दिए अलॉन्ग विद द स्टडी लेसन्स. थैंक यू सो मच मार्वी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई थिंक दिस इज जस्ट बिट ऑफ अवर सक्सेस. मार्वी तो बहुत ऊपर जाने वाली है. कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच. या